हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट्स हैं, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। 173 टोटल 173 पोस्ट है। पे स्केल सभी के लिए ऑफर हो रही है, परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है और काफ़ी वैकेंसीज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर और डिटेल्स कवर करते हैं। आप में से जो भी नए हैं मेरे चैनल पर, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ मैं बता दूँ, एक फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम भी सेटअप की गई है, जहाँ पर मैं न्यूज़पेपर पे जो एडवर्टीजमेंट होती है, जिनकी मैं वीडियोस नहीं बना पाती, प्राइवेट या गवर्नमेंट या अलग अलग PSUs वगैरह के, टीचिंग, नॉन टीचिंग, एकेडमिक, कंपनी रिलेटेड जॉब, वो सभी मैं फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट कर रही हूँ। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किए हुए हैं। तो ये सभी आप डेली बेसिस पर, मैं मिनिमम 10 वैकेंसीज ज़रूर अपडेट करती हूँ। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम ज्वाइन हो जाएं, लेटेस्ट जॉब अपडेट्स का बेनिफिट वहाँ पर भी जाकर आप ले। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम सभी के लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिलेगी, बस क्लिक करना और आप ज्वाइन हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़े इस वीडियो की डिटेल्स के लिए। जो पोस्ट की डिटेल है वो कुछ इस तरीके से, ड्राइवर है 10 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर 22, लेवल 2, लेवल 4 मीन्स 7 पे स्केल के हिसाब से, पर्सनल असिस्टेंट टोटल 10 पोस्ट है, स्टोर कीपर कम परचेज असिस्टेंट 15 पोस्ट है, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रुप सी 14 पोस्ट हैं, जूनियर इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर, एयर कंडीशनिंग विंग, जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर सिविल, तो 20 से ज़्यादा पोस्ट नज़र आ रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट है 18 पोस्ट है, रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट भी अच्छी, 18 पोस्ट है, हाउसकीपर ग्रेड 2 है, 3 पोस्ट है, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट और बाकी के मेडिकल से रिलेटेड ऊपर के पोस्ट्स हैं। सबसे पहले जाने की ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट डिटेल इंग्लिश PDF है और इधर हिंदी PDF है। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंग्लिश में है PDF और राइट हैंड साइड में, ये कहाँ मिलेगी आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो जो स्टेट गवर्नमेंट की जो मेडिकल साइंसेज की इंस्टीट्यूट्स रहते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती हैं, आयुर्विज्ञान संस्थान जो राज्य सरकार रन करती है, तो ये UP से है, UP राज्य सरकार, UP स्टेट गवर्नमेंट इसे फंडिंग करती है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो ये UP गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली गवर्नमेंट जॉब होगी अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग आपको मिलती है। तो ये PDF डाउनलोड कर लेते हैं। इसकी एप्लीकेशन 22 नवंबर को मैं वीडियो बना रही हूँ, तभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी एप्लीकेशन स्टार्ट होने में वक्त है, लेकिन इसकी डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट अपलोड हो गई है ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल्स चेक करने के लिए। फीस भी दी हुई है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1180, OBC एंड EWS के लिए 1180, NSC ST के लिए 708 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। इसमें अलग अलग पोस्ट हैं, ये आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं बेसिकली एक दो आपको बता दूं, ड्राइवर के लिए जो है, अगर 8 पास है मिनिमम और 3 साल की आपने होम गार्ड, सिविल वॉलेंटियर या आपके पास 3 साल की एक्सपीरियंस है ड्राइविंग की, तो एप्लीकेशन डाल से। स्टेनोग्राफर कोई भी ग्रेजुएट है बट स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, हिंदी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और कोई सर्टिफिकेट तो नहीं मांगी जा रही है, लेकिन स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टोर कीपर है कम परचेज असिस्टेंट, इसमें साइंस या कॉमर्स ग्रेजुएट हैं बट और साथ में डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट की डिग्री है, 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। डेटा एंट्री ऑपरेटर है लेकिन 1 ईयर की एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे लेकिन प्रेफरेंस दी जाएगी मैथ्स, फिजिक्स या स्टैटिस्टिक्स है और साथ में DOE डिप्लोमा ओ लेवल है। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस है। स्टेनोग्राफी के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। जूनियर इंजीनियर के लिए जो डिप्लोमा है कंसर्न डिपार्टमेंट में डिप्लोमा है और साथ में 2 या 3 साल की या 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी जा रही है। रिसेप्शनिस्ट एक अच्छी पोस्ट है, इसमें भी एक कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगी जा रही है। ग्रेजुएट हैं अगर सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी में, तो कोई भी एक सब्जेक्ट आपने पढ़ी है, मतलब ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से लेकिन एक सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या साइकोलॉजी, तो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। साथ में जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन या पब्लिक रिलेशन में एक डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से बाकी पोस्ट है लेकिन सभी में यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस 1 से 3 ईयर्स की मांगी ही जा रही है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर अच्छी है,
एज फॉर ऑल पोस्ट विल बी एप्लीकेबल एज नोटिफाइड बाय स्टेट यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। 40 ईयर्स अपर एज लिमिट है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब में आप देखेंगे कि 30-32 इतने ही रहती है, पर यहाँ पर एज अपर एज लिमिट काफ़ी अच्छी है और एज में रिलैक्सेशन जैसे दी जाती है तो वो तो यहाँ पर भी दी जाएगी। कट ऑफ डेट फॉर एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इफ़ एन एडवर्टीजमेंट इज़ रिलीज बिटवीन 1 जन, तो ये आप रिलीज हुई है अभी इसके हिसाब से। इफ़ एडवर्टीजमेंट इज रिलीज बिटवीन 1 जनवरी टू 30 जून, तो ये तो 30 जून के बाद हुई है, 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच हुई है एक्चुअली। तो 1 जुलाई को कट ऑफ डेट आपको लेना है, 1 जुलाई 2021 को कट ऑफ डेट लेके बेस लेके आपको एज कैलकुलेट करना है। 40 ईयर्स एंड बिलो वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन स्क्रीनिंग, इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, द सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट ओनली। तो एक टेस्ट होगी जो कि यूपी में ही होगी, ऑफकोर्स यूपी गवर्नमेंट की जॉब है तो यूपी में ही होगी। आप हमेशा पूछते हैं कि ऑल ओवर इंडिया बेसिस पर, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है तो यूपी में ही जाकर एग्जामिनेशन देनी होगी। बाहर के कैंडिडेट मोस्टली यूपी में अलाउड रहते हैं, फिर भी आप चेक कर लें। यूपी के जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं उसमें बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, पर फिर भी आप अपने एंड से चेक कर लें। मैंने अभी इस पॉइंट को चेक नहीं किया है। इसके बाद और भी, अगर लोअर डिवीज़न असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, इन सब के लिए कुछ और भी नोट में यहाँ पे दिया गया है। अभी इसके एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू बी एक्टिव फ्रॉम 1 दिसंबर 2021। तो 1 दिसंबर 2021 से इसकी एक्सपेक्टेड है कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी, और इसके बाद फिर जैसे ही इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट आती है, अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होते हैं तो पहले से आप इंस्ट्रक्शंस रीड कर लें अच्छी तरीके से, सारी चीज़ों को रीड करके रखें और इसके बाद रेगुलरली चेक करते रहें। जैसे ही इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होती है तो मैं भी अपने YouTube चैनल पर इसकी सारी अपडेट आपको देती रहूँगी। प्रोसेस ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फिलिंग अप द बैलेंस डिटेल, अपलोडिंग फोटो, पेमेंट ऑफ फी, प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फी। ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगी बिल्कुल, ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल ओपन होगी, 1 वीक टेंटेटिव डेट है। इसके बाद सभी के लिए पे मैट्रिक 7th पे स्केल ऑफर हो रही है। लेवल 10 मेडिकल फिजिसिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा है, और बाकी जो भी है लेवल 2 वगैरह, तो एटलीस्ट 35,000 जरूर सैलरी बनेगी। इसके बाद बाकी की डिटेल्स जैसे कि रिटन टेस्ट के लिए सिलेबस, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट क्या होगी, फॉर ऑल पोस्ट कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी हेल्ड, 2 आवर्स की होगी, 100 मार्क्स के लिए होंगे, और इसमें जनरल इंग्लिश होगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। तो ये जो जनरल स्टोर पे अपने बुक के स्टोर पे बुक्स मिलते हैं जनरल इंग्लिश की, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ये सभी आपको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। और जिसमें जैसे स्टेनोग्राफी, उसमें स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो स्किल टेस्ट वगैरह भी हो सकती है उन पोस्ट के लिए या होगी। इसके बाद फाइनल तो रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हैं अच्छी तरीके से। अभी 1 वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होने वाली, तो इसके पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ के देखा जा सकता है। और जैसे इसकी ऑनलाइन पोर्टल ओपन होती है मैं आप सभी के लिए फिर से वीडियो एक अपलोड करूँगी। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। इस ये ऑफिशियल वेबसाइट जो अभी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसकी लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करें, कहीं ना कहीं लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगी।